हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास मैथ सेकंड चैप्टर एडिशन को करेंगे। तो एडिशन क्या हो सकता है? पिछली क्लास में हमने ऐड करना सीख लिया है। ऐड मतलब कि जोड़ना, कैरी और विदाउट कैरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज़ क्या कहलाती है। देखो, जैसे ये लिखा हुआ है, इस कॉलम को पढ़ेंगे हम, द नंबर्स दैट वी आर कार्ड एडेंस, यानी कि कोई भी दो संख्याओं को, जैसे कि अब हम इसमें और इसमें, इन दो संख्याओं को हम ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम ऐड एंड्स बोलेंगे। ये दोनों संख्याएं हमारी ऐड एंड्स कहलाएंगी। और आगे लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ द एडिशन इज कॉल्ड सम। अगर हम किसी भी दो संख्याओं को, तीन संख्याओं को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनके द्वारा जो हमारा आंसर आता है उसको हम सम बोलते हैं। तो जैसे ये दो संख्याएं अभी तुम्हें बताया, ये नंबर दिए हुए हैं, इसको हम ऐड एंड्स बोलेंगे। इसके बाद अगर हम इसे ऐड कर देते हैं, जैसे 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 2 7, तो जो ये हमारा रिजल्ट आया है, आंसर आया है, इसे हम बोलेंगे सम। तो किसी भी ऐड सम को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसको हम सम कहलाते हैं, सम कहते हैं। ये दो नंबर ऐड एंड्स कहलाएंगे। तो ऐड दो तरह की होती हैं, विद आउट कैरी, बिना कैरी के ऐड करना। तो जैसे दो संख्याएं दी हमें, ये दी है, ये हमारा ऐड एंड्स कहला गया। अब हम इसको ऐड करते हैं, 6 और 2 8, 5 and 4 9, 4 and 3 7, 3 and 1 4, ये हमारा सम हो गया और ये हमारा ऐड एंड्स हो गया। इसको हमने ऐड एंड्स बोला, ये हमारा आंसर सम कहलाता है। तो जो ये सम हमने किया, ये हमने किया विदाउट कैरी, यानी कि इसमें हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिना कैरी के ही हमने सम को कर दिया। इसके बाद होता है विद कैरी। विद कैरी कैसे ऐड होगा? जैसे इस सम में 5 and 8, 13 हो गया। 13 में हम वंस वाले प्लेस वाले नंबर को यहाँ पर लिख देते हैं और जो ये 1 बच गया, ये हम अगले नंबर पे कैरी कर देते हैं। इसे बोलते हैं कैरी करना। अब 2 और 9, हमारे पास 11 हो गए। 11 में हमने फिर 1 को ऐड कर दिया तो 12 हो गया। 12 में फिर इधर वंस प्लेस वाली चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया और ये 1 इसका कैरी हो गया, इस कैरी को हमने यहाँ पर लगा दिया। फिर इसके बाद 3 and 3 6 हो गया और 1 कैरी हो गया इसका 7। तो यहाँ अब 7 आया, तो 7 हमने यहाँ लिखा, तो यहाँ कोई भी कैरी नहीं बचा, तो हमें यहाँ कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 and 1 कितने हो गए? 5। तो ये हो गया विद कैरी। आइए एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये है, तो इसमें अब 3 स्टेप हैं, तो 3 स्टेप को ही जोड़ देंगे। 5 and 9, 14, 14 में 9 को ऐड किया तो हो गया 23। 23 में ये वंस प्लेस को हमने 3 यहाँ पर रख दिया और जो ये 2 है, नेक्स्ट नंबर के ऊपर इसको कैरी कर दिया। इसके बाद 4 and 2 6 हो गए। 6 में 5 को फिर से ऐड किया तो 11 हो गई। 11 और 2 हमारा कैरी था, 11 में हमने 2 को जोड़ दिया तो 13 हो गया। 13 में वापस से हमने 3 को यहाँ लिख दिया और 1 हमारा कैरी हो गया, इस कैरी को हमने यहाँ लगाया। इसके बाद 2 and 9, 11 हो गए, 11 में 3 को जोड़ दिया तो 14, और 14 में फिर 1 को कैरी कर दिया, ऐड कर दिया,
तो 14 और 1 15। 15 में वंस प्लेस को फिर हमने यहाँ रखा और 1 को वापस से कैरी कर दिया। अब 8 एंड 1 9 हो गए, ये 0 हैं, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 9 हो गया। कैरी कुछ है नहीं है यहाँ पे, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 7 और 1 8 और 8 16, यहाँ 16 आया, तो हम 6 नहीं, 6 लिख के 1 कैरी नहीं कर सकते क्योंकि आगे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ 16 का 16 पूरा लिख सकते हैं। तो अभी हमने ये सम किया विदाउट कैरी, और ये दोनों सम थे हमारे कैरी लेकर के। जब भी हमारी जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद दो संख्याएं आती हैं, तो हम दो को इकट्ठा ना लिख करके ऊपर कैरी कर देते हैं। अब आगे है व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर और एनी नंबर इज एडेड टू 0 द सम इज द नंबर इटसेल्फ। इसका कहने का मतलब है, अगर मान लो हमें कोई संख्या दी गई है, ये संख्या दी है, अगर हम उस संख्या में 0 को ऐड करते हैं तो इसके नीचे ये है, तो ये यूं की यूं ही संख्या अपने आप आ जाती है। यानी कि 0 किसी भी संख्या में ऐड करने पर, जैसे अब मैंने यहाँ पर दूसरी संख्या लिखी 9354 100, इसमें ऐड करते हैं तो ये 4 का 4 ही लिखेंगे, 5 का 5 ही लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम 0 किसी संख्या में जोड़ देते हैं, जैसे 3 में मैंने 0 को जोड़ा तो 3 ही आ गया, 8 में मैंने 0 को जोड़ा तो 8 ही आएगा, 7 में मैंने 0 को जोड़ा तो वो 0 नहीं होगा, 7 ही होगा। यानी कि किसी भी संख्या में हम 0 को अगर ऐड करते हैं तो संख्या वापस से वही आ जाती है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमने 0 का यूज़ कर दिया तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को गलत कर दिया। इसके बाद हम ऐड को, जब हम जोड़ते हैं उसे ऐड बोलते हैं, सम भी बोल देते हैं, फाइंड द सम, प्लस बोलते हैं कि इनको प्लस कीजिए, या टोटल शब्द आ गया। तो ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जिनको हम ऐड के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में टोटल है, प्लस है, सम है, ऐड है, तो उसका अर्थ होता है किसी भी संख्या को आपस में जोड़ना। तो आइए एक्सरसाइज 2D देखते हैं। 2D में जैसे कई क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले ही क्वेश्चन को जैसे रीड करेंगे तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मारुति 800 इज रुपीज 45,000 एंड द कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड सेंट्रो कार इज रुपीज 25,000 मोर देन द मारुति 800। फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का हमारा मीनिंग क्या होगा कि जो ये इसकी रुपीज़ हैं इनको आपस में जोड़ देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे इसने कहा कि जो द कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मारुति कार, एक मारुति कार की कीमत दे रखी है इसने 45,000 और जो दूसरी कार की कीमत है सेंट्रो कार की वो 25,000 मोर देन, यानी कि इससे 25,000 ज़्यादा है। तो 45 तो इसमें भी है और 25,000 ये ज़्यादा है, तो सेंट्रो कार की कीमत हमारी हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ सेंट्रो कार सेंट्रो कार की कॉस्ट जो है वो मारुति से 25,000 ज़्यादा है। तो मारुति कार की कीमत एक तो हो गई 45,000 और 25,000 मोर देन है, ज़्यादा है। तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 5 5 0 1 carry 4 2 6 और 1 7। तो सेंट्रो कार की कॉस्ट जो आ गई है वो मेरे पास 70,000 है और मारुति कार की कॉस्ट ऑफ मारुति कार का कॉस्ट है मेरे पास 45,000 रुपीज और कॉस्ट ऑफ सेंट्रो
सेंट्रो कार की कीमत मारुति से ज़्यादा थी, इसलिए इसका 70,000 रुपीज़। दोनों को हम अब यहाँ लिखा हुआ है इसने टोटल कॉस्ट, और अभी तुम्हें बताया ऊपर टोटल का मतलब ही हमारा ऐड होता है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐड करके निकालते हैं। 0, 0, 0, 5, 4 और 5, 7, 11, तो 1,15,000 इसका टोटल कॉस्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हम। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 29,561 सोप्स केक ऑन मंडे, यानी कि एक कंपनी मंडे के दिन इतने सोप को बनाती है और 35,281 सोप्स केक्स ऑन ट्यूसडे, यानी कि वो दो दिन साबुन बना रही है, मंडे को और ट्यूसडे को। तो मंडे को वो 29,000 बनाती है, ट्यूसडे को 35,000। तो हाउ मैनी सोप केक्स डिड इट प्रोड्यूस इन दिस टू डेज, कहने का मतलब है कि वो इन दोनों दिनों कितना केक बनाती है। तो सोमवार को उसने इतना केक बनाया और मंगलवार को इतने साबुन के केक बनाए, तो टोटल हो गया इसका दोनों का ऐड कर देना। तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करना आप सबने सीख ही लिया है, तो टोटल सोप हम निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए, पॉपुलेशन जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या विलेज ए है उसकी है 38,746 और विलेज बी, पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी 43,135। तो दोनों की पॉपुलेशन दे रखी है और यहां पर हमको दिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल का मतलब ऐड कर देना, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। फोर नंबर क्वेश्चन में ए बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस्ड 74,285 बल्ब्स इन मार्च, यानी कि मार्च में वो इतने बल्ब बनाती है और 69,870 बल्ब्स इन अप्रैल, और अप्रैल में वो 69 बनाती है एंड 1,08,502 बल्ब्स इन मई, यानी कि वो मार्च अप्रैल और मई तीन महीनों में इतने इतने बल्ब बनाती है। तो हाउ मैनी, और तीनों महीनों में वो टोटल कितने बल्ब बना देती है, तो तीनों महीनों के बनाए गए बल्बों को हम ऐड करके इसे निकाल सकते हैं, और ऐड करना आप सब सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पोस्टल बैग हैज 32,543 लेटर्स, यानी कि एक बैग में इतने लेटर्स हैं, 32,543 लेटर्स हैं। अनदर पोस्टल बैग, और दूसरे में, एक में तो इतने हैं और दूसरे बैग में 28,000 लेटर हैं, तो हाउ मैनी लेटर्स इन द टू पोस्टल बैग्स, और वो पूछ रहा है कि दोनों थैलों में कुल कितने लेटर हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। एक बैग में इतने हैं, दूसरे बैग में इतने हैं, तो टोटल पोस्टल बैग्स हैं और दोनों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सोहन बोट ए कार इन रेट 65,732, यानी कि सोहन ने इतने रुपए में एक कार खरीदी है, स्पेंट खर्च कर दिए ऑन एसेसरी, उसकी सामान पे दूसरे सिस्टमों को तैयार करने, उसका म्यूजिक सिस्टम हो गया दूसरी चीज़, उन पर उसने इतने रुपए अलग से खर्च किए हैं, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट, टोटल मतलब जोड़ देना, यानी कि जो उसने इतने रुपए में गाड़ी खरीदी है, इतने उसने एसेसरी पे खर्च कर दिए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल मतलब कि दोनों प्राइस को आपस में जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए स्कूल लाइब्रेरी, एक स्कूल लाइब्रेरी में देयर आर 28,596 इंग्लिश बुक्स, तो इंग्लिश बुक्स आर 28,596 और हिंदी बुक्स 44,350 बुक्स, और जो अदर लैंग्वेज की बुक्स हैं वो 38,975 हैं। हाउ मैनी टोटल बुक्स, अब यहाँ पर फिर दोबारा से आ गया टोटल बुक्स, तो टोटल बुक्स यानी कि जो इंग्लिश की बुक्स हैं, हिंदी की बुक्स हैं और अदर लैंग्वेज की बुक्स हैं, इनको हम टोटल बुक्स कर देंगे, यानी कि आपस में तीनों को जोड़ देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए कंपनी हैड सोल्ड 39,856 लैपटॉप्स लास्ट ईयर, यानी कि एक कंपनी ने पिछले साल तो इतने 39,856 लैपटॉप को सोल्ड किया था, बेच दिया था। इस साल इट वाज सोल्ड 15,942 मोर लैपटॉप्स देन इट लास्ट ईयर, और पिछले साल से उसने 15,000 ज़्यादा लैपटॉप बेचे हैं। तो हाउ मैनी लैपटॉप्स डिड इट सेल इन दिस ईयर, तो इस साल उसने कितने लैपटॉप बेचे हैं। तो दोनों ही टाइम में बेचे गए लैपटॉप को हम आपस में अगर ऐड कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि उसने इस साल कितने बुक्स लैपटॉप ज़्यादा बेचे हैं, क्योंकि पिछले साल उसने इतनी लैपटॉप बेचे हैं और इस साल इसने इतने ज़्यादा बेच दिए हैं। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते तो हमें पता चल जाएगा कि उसने इस साल कितने लैपटॉप सोल्ड किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ऐड के सम्स समझ में आ गए होंगे, सबके पास अपनी बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये पीछे जो दिए हुए हैं एट यूअर फिंगर टिप्स, तो एक बार इनको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद हमें इसके बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा।